बच्चों, आज मैं अपने इस अनुग्रह स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपको डियर का प्रयोग करना सिखा रही हूँ। डियर, वैसे तो सामान्यतः डियर का अर्थ वहाँ होता है, जैसे आई वेंट टू डियर, मैं वहाँ गया। लेकिन आज मैं आपको डियर का इंट्रोडक्टरी के रूप में इसका प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में बता रही हूँ। इंट्रोडक्टरी के रूप में सामान्यतः तो जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम उस वाक्य को डियर से शुरू करते हैं। यानी जिसमें कोई करने वाला कर्ता कर्ता जिस वाक्य में नहीं दिखाया गया हो, तो उस वाक्य को हम डियर से शुरू करते हैं। और इंट्रोडक्टरी के रूप में देखिए, जैसे अनिश्चित व्यक्ति लड़का है, अब कौन लड़का है? राम एक लड़का है, राम उसमें सब्जेक्ट है, तो हम कह देंगे राम इज ए बॉय। लेकिन एक लड़का है, अब कौन है, क्या है? अनिश्चितता है उसमें, अनिश्चित व्यक्ति है। और कोई भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए या फिर कोई की मौजूदगी बताने के लिए, जैसे मेरे स्कूल में एक कार्यालय है, मेरे स्कूल में दो पौधे हैं, में दो बैंक हैं, मतलब इस तरह से जो मौजूदगी जिसमें बताई जाती है, कर्ता नहीं होता है, ऐसे वाक्य हम देर से शुरू करते हैं। और उसमें इज और आर एम यानी बी का जो प्रयोग होता है सहायक क्रिया का, वो वाक्य के अनुरूप, यानी उसमें चीज एक के लिए बता रहे हैं, एक से अधिक के लिए बता रहे हैं, तो इस प्रकार है उसमें उसका इज आर एम या वाज वर शैल वी विल वी का प्रयोग होता है। यहाँ मैं आपको कुछ वाक्यों के द्वारा समझाती हूँ कि देर का प्रयोग किस प्रकार से होता है। देखिए, ये एक वाक्य है, जैसे एक मोर है, अब कौन है, कहाँ है, अनिश्चितता है, तो हम वाक्य क्या बनाएंगे? डियर, इसमें कोई कर्ता नहीं है, डियर इज ए पीकॉक, COCK, पीकॉक, देयर इज ए मोर, एक मोर है, यह एक मोर है, वह एक मोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक मोर है। तो वाक्य हमने शुरू किया देयर से, यानी देयर का जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वह वाक्य हम देयर से शुरू करते हैं। अब इसमें एक मोर है, तो यहाँ सहायक क्रिया हमने इसका प्रयोग कर दिया, देयर इज ए मोर। अब दूसरा देखिए, विद्यालय में एक कार्यालय है, देयर इज ए कार्यालय है, इज एन ऑफिस किसमें है? इन द स्कूल, इन द स्कूल, देयर इज एन ऑफिस इन द स्कूल। अब यहां देखिए आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है ऑफिस, क्योंकि ओ से जो हमारा वर्ड शुरू हुआ, तो हमने यहाँ एन लगाया, ऊपर ए पिकॉक था, ये व्यंजन था, इसकी ध्वनि स्वर से नहीं थी, व्यंजन से थी, तो एक लगा दिया। यहाँ ऑफिस ये स्वर से शुरू हुआ, तो हमने यहाँ एन लगा दिया, यानी एक के लिए हमने यहाँ ए और एन का प्रयोग किया। तो इन चीज़ों का भी वाक्य बनाते समय ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब एक और वाक्य देखिए, सड़क पर कोई वाहन नहीं था, यानी कोई गिनती नहीं है, तो क्या बनाएंगे वाक्य? डियर इज कोई वाहन नहीं है, यानी एक या दो की कोई बात नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कोई वाहन नहीं है, देर इज नो व्हीकल्स, देर इज नो व्हीकल ऑन द रोड, सड़क पर कोई वाहन नहीं था। मेरे बगीचे में सुंदर फूल है, यानी एक फूल की बात नहीं है, फूल है, कई फूलों की बात है। तो वाक्य देयर आर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन, इन माई गार्डन। अब देखिए, पहला वाक्य था एक मोर है, इसका प्रयोग हुआ। दूसरे में एक ऑफिस है, इसका प्रयोग हुआ। एन हमने ये आर्टिकल लगाया। सड़क पर कोई वाहन नहीं है, कोई गिनती नहीं है, एक वाहन नहीं है, दो वाहन नहीं है, तो यह नो का प्रयोग हो गया, देयर इज नो व्हीकल।
ऑन द रोड। और वैसे कई बार ज्यादा की बात आ जाती है कि बहुत सारे वाहन नहीं है, तो उसके लिए देयर आर आ जाता है, नो तो आएगा, देयर आर नो व्हीकल्स ऑन द रोड आर आ जाता है। यहाँ हमें ये चीज देखनी होती है कि एक के मौजूद की बताई जा रही है या एक से अधिक की बताई जा रही है, उसके हिसाब से हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा देखो, मेरे बगीचे में सुंदर फूल हैं, यानी कई फूलों की बात है यहाँ, तो हमने यहाँ सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया। यानी सबसे पहले क्या जाता है ऐसे वाक्यों में, पहले देयर आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और फिर अन्य वाक्य में जोड़ते हैं। तो देयर आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में सुंदर फूल है। ऐसे ही हम पास्ट टेंस के भी देयर में आ सकते हैं, इसका प्रयोग हो सकता है। देखिए जैसे एक दो वाक्य मैं और बताती हूँ आपको। छत पर दो बंदर, छत पर दो बंदर थे। तो ये क्या है, पास्ट टेंस का आ गया, जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग रूप में वाज और वर्ब का। यदि टेंस सिंगुलर का है तो हम वाज लगा देते हैं, प्लूरल का है तो वहां वर लगा देते हैं। यहाँ दो यानी एक से अधिक है, तो फिर वाक्य तो देयर से शुरू करना है ही, देयर ही आ जाएगा वर, देयर वर टू मंकीज ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पर दो बंदर थे, देयर वर टू मंकीज इन द रूफ। इसी प्रकार और वाक्य लेते हैं, एक किसान था, एक किसान था, यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वाक्य हमें शुरू करना है देयर से, देयर वाज ए फार्मर, देयर वाज ए फार्मर। और भी ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं, जैसे मेरे गांव में दो मंदिर हैं, मेरे गांव में दो मंदिर हैं, दियर, अब देखियो वहां था थे तो दो बंदर थे यानी एक से अधिक थे, तो हमने वहां सहायक क्रिया वर का प्रयोग किया। एक किसान था, सिंगुलर है यहाँ, तो हमने वाज का प्रयोग किया। और फिर मेरे गांव में दो मंदिर है यानी एक से अधिक है, तो है और वर्तमान का है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, देयर आर, कितने मंदिर हैं, टू, देयर आर टू टेम्पल्स इन माई विलेज, इन माई विलेज। हम अपने जब विद्यालय का लेख लिखते हो तो उसमें अधिकतर, या मेरे गांव का लिखते हो, मेरे विद्यालय का लिखते हो, उसमें अधिकतर यही वाक्य यानी देर से शुरू होने वाले वाक्य ही होते हैं। जैसे अभी एक स्कूल का ही वाक्य बना लेते हैं, मेरे विद्यालय में बीस कमरे हैं, मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट कोई नहीं है, देयर आर कितने कमरे हैं, 20, 20
रूम इन माय स्कूल इन माय स्कूल। इस प्रकार कई वाक्यों के द्वारा आपने सीखा कि कोई भी वाक्य में जब कोई कर्ता नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वाक्य वो हम धीर से शुरू करते हैं और वाक्य में वी यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के अनुसार हो जाता है। वाक्य यदि एक वचन का सिंगुलर का है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, यदि वाक्य बहुवचन का है तो आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट में है थे तो वहाँ बहुवचन के लिए वर आ जाता है, और यदि सिंगुलर होता है पास्ट में तो उसके लिए वाज आ जाता है। अधिकतर हमारे जो विद्यालय के हमारे गांव के जो हम निबंध लिखते हैं ऐसे लिखते हैं वो इन्हीं वाक्यों के द्वारा बनते हैं। जैसे एक वाक्य अभी मैंने बनाया, मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। इसी प्रकार मेरे कमरे में एक ऑफिस, आपने पहले वाले वाक्य में देखा था, देयर इज एन ऑफिस इन माई स्कूल। और मेरे विद्यालय में टैप्स यानी नल हैं कई, देयर आर 4 टैप्स इन माई स्कूल। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। तो आज आपने दियर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में सीखा कि किस प्रकार किया जाता है वाक्य में किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए, उसकी मौजूदगी बताने के लिए, और जब कोई अनिश्चित व्यक्ति होता है ये सब बताने के लिए हम वाक्य को किससे शुरू करते हैं, दियर से शुरू करते हैं। आपकी कक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आया करते हैं।